उर्से पाक दे अयाम करीब ने, मैं चाहिया कि अज दे इस जुमातुल मुबारक दे अंदर हजरत सखी शहबाज कलंदर दा जिक्र किया जाए। अबाबे दी वकार मालिक फरमांदा अल्लाह यजतबी इलैही मन यशा, मालिक फरमांदा मैं जिन्हों चाहना उन्हों चुन लेना, इंतखाब मैं कर लेना, जिन्हों अल्लाह चुन लेंदा है, मालिक जिन्हों चुन लेंदा तो उन्हों कल्ला छड़दा नहीं, जिन्हों मालिक चुन लेंदा है अपना बना लेंदा है ते नाल ऐलान कर देंदा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मालिक फरमांदा ये साडा बेली ये साडा सज्जन है, इनू डर कोई नहीं, इनू खौफ कोई नहीं, गम कोई नहीं, ना इत्थे ना उत्थे, दोवा जहाना विच इनू खौफ कोई नहीं। या अल्लाह तेरा ये बंदा है, तेरा बेली है, तेरा सज्जन है, सानू की फायदा इहदे कोलों, बेली तेरा है। जिहड़ा बंदा जिंदा बेली होवे वह बेली तो बेली का बेली होंदा है ना, तो एक दूसरे नाल मुहब्बत होंदी है, उन्हें मामलात होंगे ने। दूसरा बंदा कहता भी बेली तेरा मैनू की फायदा है, हर बंदा कहता है ना भी तेरा दोस्त होगा मैनू की फायदा है। अर्ज की मालिक बेली तेरा है, सज्जन तेरा तो सानू की फायदा है। अल्लाह फरमाता तेरा ही तो फायदा है, तेरा ही तो फायदा है। या अल्लाह मेरा किवें फायदा? अल्लाह फरमाया फद खुली फी इबादी वद खुली जन्नती, मेरे सज्जन को तू आ जा जन्नत मैं दे छड़ांगा, मेरे बेली को तू आ जा जन्नत मैं दे देवांगा। हजरत दी वकार जिमें हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्ला अलैह आप वुजू करन ते ओ बच्ची हाथ च पानी पावे ते पहले बहावुद्दीन जकरिया मुल्तानी सरकार नूं वुजू करवाया उस बच्ची ने, ते आपने वेख्या ते मत्थे ते लिखिया कि ए दोज़खी है, आख्या या अल्लाह जन्नती कर, आख्या चुप कर, आवाज आई चुप कर जा। विलायत दे विच विलायत मुहम्मदी विलायत इश्की विलायत रूही विलायत वहबी चार किस्मां ने, चार किस्मां ने विलायत मुहम्मदी जिवें मुजद्दद अल फसानी शेरे रबानी रहमतुल्ला अलैह, और विलायत इश्की जेड़ा है मजजूब जेड़ा होंदा है हर वक्त अखां दे विच, पूरी दुनिया दे बूवे ते आ जावे राजी नहीं होंदा, सारी दुनिया नूं छड्ड देवे वट्टे मारे रोंदा नहीं, गमनाक नहीं होंदा, उदा तालक हर वले मुर्शद दे नाल होंदा है। ते जेड़ा सोने मुहम्मद दे जलवियां विच डुबा होवे, नबी पाक दे जलवियां विच डुबा होवे, कदों किसे वल वेखदा है, बस हर वक्त उसना जलवियां विच मुस्तगर करेंदा है। हज़रत दी वकार इधर फिर विलायत रूही, विलायत रूही वाले ओ ने जेड़े आलमे कुन मा यकून दे विच जेड़े कायनात बनन तो पहला भी वली सन, आलमे अरवा दे विच भी वली सन, बाप दी पुश्त दे विच भी वली सन, मां दे पेट दे विच भी वली सन, जिदन दुनिया ते आए उदन भी वली सन, उदन भी वली सन। हज़रत दी वकार ए अज मैं जेड़ा जिक्र करना है विलायत रूही आले ने, विलायत रूही आले। हज़रत दी वकार मैं चाहना कि गल सखी शहबाज कलंदर तो शुरू करा, तो फिर यह भी गल मैं बिचे बाबा जी की कर देवगा, पाक पतन के ताजदार की भी बात कर देवगा जी मैं शुरू की। पहले मैं चाहना कि हजरत सखी शहबाज कलंदर रहमतुल्ला अलैह का जिक्र पाक किया जाए। अबाब हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्ला ताला अलैह हजरत सखी शहबाज कलंदर के वालद ग्रामीण फरमाते ने जवानी का आलम है, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सोना दीन मैं पढ़ना, दीने पाक पढ़ के ते फरागत हासिल की, ते फरमा देने के मैनू ना नींद आ गई, नींद आई ते ख्वाब दे विच की पिया वेना मैं जन्नत विच चला गया। आखो हाँ भला सुबहान अल्लाह, जन्नत विच चला गया। ते फरमा देने जन्नत विच मैं गया ते मैं की वेखना, एक खूबसूरत बच्चा है, बड़ा हसीनो जमील है, ते लाल रंग दा सूट पाया है, ते जुल्फा ने ते मत्था ते चेहरा रोशन है, ते मैनू वेख के कहिंदा बाबा सलाम होवे।
मैं जवाब दिता तो मैनू कहिंदा इत्थों मैनू कढ लै। की कहिंदा? मैनू इत्थों कढ लै। मैं आख्या तेनू इत्थों कढ लवां। क्यों? आख्या बस इत्थों मैनू तू ही कढ सकना, तू ही मैनू कढ सकना। तो सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब जिहड़े खुद आलिम सन फरमाते ने मैं आख्या तेनू मैं इत्थों कढ लवां जन्नत विच्चों, जन्नत विच्चों। तो मैं आख्या भी ये जन्नत विच जिहड़ा एडा सज के पिया फिरदा इहदे नाल दो गल्लां ना मैं कर लवां। ज़ौक है ते आखो हाँ सुबहान अल्लाह। अबाबे दी वकार ए सैयद हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी लड़ी दे विच्चों हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब फरमाते ने कि मैं हालत ख्वाब दे विच ते जन्नत पिया वेना, जन्नत का नज़ारा पिया करना। ये अल्लाह जिन्हों चुन लैंदा फिर उन्हों विखा भी देंदा। ये अल्लाह दे अल्लाह जिन्हों इंतखाब करे, जिन्हों मालिक चाहे, उदियां नज़रां दे विच ये बसारत दे विच ताकत अल्लाह पैदा कर देंदा कि जमीन ते बह के नज़ारे जन्नत दे कर लैंदा, जन्नत दे नज़ारे कर लैंदा। ताइयो रूमी कश्मीर आरफे खड़ी हजरत मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह इन्हां अखां दी गल करदे ने। ज़ौक होवे ते आखो सुबहान अल्लाह। अबाबे दी वकार खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानो हो दे वाली जिन्हां नूं अल्लाह फरमांदा आला इल्ला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह फरमांदा खबरदार हो जाओ जेड़े मेरे बेली ने, जेड़े मेरे सज्जन ने, उन्हां नूं खौफ ही कोई नहीं, उन्हां नूं गम कोई नहीं। या अल्लाह तेरे बेली कौन आंदे ने, या अल्लाह वली कौन आंदे ने। फरमाया अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया जेड़े परहेज़गार आंदे ने, जेड़े तकवे वाले आंदे ने, जिन्हां दियां रातां भी अल्लाह अल्लाह करदे लंघ जांदियां ने, जिन्हां दा दिन भी जिक्र पाक विच लंघ जांदा है। गल सौखी करदे आं वली ओही आंदा है जिहड़ा बैठा जमीन ते होवे ते निगाहां अरशां उत्ते हो जाए। निगाहां यार साथे आउंदियां ने तां यार रोमिए कश्मीर फरमांदे ने जे रब दिल दियां, जे रब दिल दियां ए अखियां दे फिर चालल होवे नूरो ए वली अल्लाह नो ए नजरी आवे या नेड़े क्या तू फरमाया अल्लाह दा वली ओए हजरत जनाब सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आ फरमाते ने मैं हालत ख्वाब दे अंदर आओ मैं जन्नत विच टुर गया। एक बच्चा मैं वेख्या ज़ुल्फां भी सोहणियां ने, पेशानी भी सोहणी है, मेरे सामने आके खड़ा हो गया, सुरख रंग दा लिबास पाया। कहिंदा बाबा इत्थों कढ लै, बाबा मैनूं इत्थों कढ लै। मैं आखा पुत्तर आओ लोकी नमाज पढ़ते ने जन्नत विच टुर जाइए, लोकी रोजे रखते ने जन्नत विच टुर जाइए, लोकी हज करते ने जन्नत विच टुर जाइए, लोकी उम्र से जाते ने जन्नत विच टुर जाइए, लोकी सदका खैरात करते ने जन्नत विच टुर जाइए। पुत्रा तू जन्नत विचों निकलन दियां गल्लां पिया करना है। बच्चे ने हाथ जोड़ ले आखे बाबा इजाजत दे वे ते दलील अल्लाह दे कुरान जो पेश कर देना।
वो बच्चा बोल के कहना बाबा जी इजाजत देवे ते कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ के ते दलील पेश कर दे। उन्हें आख्या पुत्रा किवें? कहिंदे मैं हैरान रह गया, निक्का जिहा गल कुरान दी पिया करदा है, निक्का जिहा गल कुरान दी पिया करदा है। मैं आख्या पुत्रा किवें? कहिंदा जिहड़ा आदम अलैहि सलाम दा किस्सा है, आदम अलैहि सलाम दा किस्सा है, आदम जन्नत विच नहीं सी। आख्या पुत्रा जन्नत विच सी। आख्या फिर क्यों गया? जन्नत विचों निकल के फिर क्यों गया आदम अलैहि सलाम? जे आदम जन्नत विचों जा सकदा ते मैं भी जा सकना। फरमांदे ने मेरी अख खुल गई, अख खुल गई। अगला दिन होया तो घर रिश्ते दियां गल्लां शुरू हो गई। सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब फरमांदे ने अगला दिन होया तो घर विच रिश्ते दियां गल्लां शुरू हो गई। रिश्ता हो गया मेरा फातिमा नामी औरत दे नाल, फातिमा नामी औरत दे नाल रिश्ता मेरा तय हो गया। तो फरमांदे ने कि शादी हो गई, तो वेला गुजरता जा रहा है, औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, वेला पे गुजरता तो औलाद कोई नहीं, घर मेरा आंगन खाली। तो मैं रात को ना मुसल्ला डा लिया, मुसल्ला डा के ते पढ़े नफल, तो पढ़िया दरूद मुस्तफा की जात उत्ते। नाने पाक की पाक बारगाह में अर्ज की, सोने आ मैं सैयद हाँ, तो सैयदा के आंगन वेले चंगे नहीं हो लगते, सैयदा के गुलशन फुल ना खिलिया हो, बूटे मौजूद होवन उत्ते फुल ना लगे होवन, बूटे सोने नहीं लगते। तो जे मेरे तो मेहरबानी की, जे तो सुने फिर कर्म भी कर दौ। सिख पुत्रांदी ए डाडी होंदी, सिख पुत्रांदी ये पूछो ना लो, जिन्हां कोले दौलत नहीं ना उन्हां कोले पुछो रात नूं किवें रोंदियां रातां लंघदियां ने। ते घर वाले वेंदे ने ते कहंदे ने यार किहदे वास्ते कमाणा, किहदे वास्ते कुछ करना, घर ते खाली, औलाद है कोई नहीं, किहनूं देणा है, ते रो रो के ते अर्ज़ां करदे ने। पर इह ओह मेवा जिहड़ा नबियां वी मंगिया, नबियां वी मंगिया। ताइयों तां रोमिया कश्मीर आरफे खड़ी फरमांदे ने सिख पुत्रां दी ए डाडी होंदी, आखन लोग सियाने ए मेवाते नबिया भी मंगे, आओ एक कर कर उजर बहाने। सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब फरमांदे ने घर च औलाद कोई नहीं, मैं रात रोंदिया लंघ जांदी है, रात रोंदिया लंघ जांदी है, दिन भी दुआवां करदिया लंघ जांदी है, मेरी बीवी फातिमा भी दुआवां करदी है। फरमांदे ने अज मैं दरूद पढ़दिया पढ़दिया अपने पाक नाने दी पाक बारगे अंदर अर्ज की, नाना जे कर्म दा छट्टा मार दे ते तुहाडा किहड़ा मुल लगदा है, मेरे कोल औलाद कोई नहीं। परमात्मा ने दरोद पढ़दिया पढ़दिया अख लग गई, जड़े वाले अख लगी साई आ जाने, परमात्मा ने अख लगी ते साई आ गया सिर ते, आके ते परमात्मा ने उठ मैनू इंज फड़ के तो उठाया, तो मैं इंज वेख्या सारी दुनिया में मैं एडा सोहना ही कोई नहीं वेख्या, मैं इना सीरो जमील नहीं वेख्या। तो परमात्मा मैनू कहते ने उठ, तो मैं उठिया। फरमांदे ने पुत्र चाहिए ही, आखो तो सही यार सुभान अल्लाह, जिक्र कलंधर का हो ते बंदे ढिले हो, गल फबदी नहीं, फिर मलंगी फिर जो नारा मार देने लम्मा सारा करके, तो फिर वह मलंग फिर आखन दे यार वेखो जुमे बच्च वुजू करके आए बैठे मसीते ते कलंधर के ना तो बोल ही नहीं सकते, गुंजा पा के आखो तेरा सुभान अल्लाह, आ पता लगे सारे माशाला पूरे हिसाब नाल बैठे ने कलंधर नूं सुनन वास्ते, कलंधर दा जिक्र सुनन वास्ते आए ने। हजरत दी वकार हजरत कबीरुद्दीन शाह साहब फरमाते ने मैं पूछा, मैं क्या हजूर तुसा कौन हो? फरमाते तू पुत्र लैना है ना, पुत्र लैना है। मैं आख्या जी मंगिया तो पुत्र ही है। आख्या बस देनी आए हैं,
पुत्र तेन अता करने कोई बंद आखे हो वेखो कारी साहब शिरक पै कर दे भी पुत्र तो अल्लाह देंदा ते आंदे ने बुजुर्ग पिया देंदा ही पुत्र भी आंदा पुत्र देन आया भी कुरान पढ़ के वेखो कुरान पाक पढ़ के वेखो सूरा मरियम अहाब अल्लाह की गुलामन ज़किया दा मतलब की है। हजरत जबरील मरियम अलैह सलाम नू पै कहंदे ने मरियम सलाम उल्लाह अलैहा नू कहंदे ने पै मरियम मैं तेनू पुत्र देन आया मैं तेनू पुत्र देन दे वास्ते आया। हजराती दी वकार जे जबरील आखे मैं तेनू पुत्र देना तो जबरील की तौहीद विच फर्क नहीं पैंदा जे असी कह दईए तो फर्क इत्थे भी नहीं पैंदा फर्क फिर कोई नहीं पैंदा देंदा रब अल्लाह करीम ने ये अंदाज बनाए ना मर्द ते औरत होवे ते फिर पुत्र आंदे ने। हजराती दी वकार औलाद होंदी है पर खालिक चाहे तो बगैर माँ तो भी बगैर बाप तो भी पुत्र दे देंदा है। खालिक चाहे तो बगैर माँ तो प्यो तो भी अल्लाह चाहे तो पैदा फरमा सकता है। कभी पहाड़ों के बच्चों भी ऊँट निकले ने पहाड़ा बच्चों कभी ऊँट पैदा होए ने रब चाहे तो पहाड़ के बच्चों भी ऊँट पैदा कर देंदा है। ये मालिक दियां मर्जियां ने जिथे चाहे जिमें चाहे अपनी कुदरतों का इजहार कर देंदा है। हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब फरमाते ने मैं आख्या बाबा जी कौन जे कहते तेनों पुत्र चाहिए मैं आख्या जी कहते फिर दे नहीं आया पुत्र अता करना आया। बाबे दी वकार हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जेड़े वाले मैं आख्या बाबा तुहाडा नाम की है तुसा कौन हो मैनु आखद ने पुत्रा मैं पुत्र देने आया तू सैयद है तेनों पुत्र अता करना आख दे बाबा पुत्र दे लवांगा पर इना दस दो तुहाडा नाम की है कदमा विच डिग पै सैयद कबीरुद्दीन शाह आवल आला उठा लैंदा है सीने ना ला के कहंदा है मेरा पता पुछना चाहना है मैं हसन दा बाबा मौला अली आख्या मैं हसन दा बाबा मौला अली आओ हुसैन दा बाबा आओ पाक ज़ैनब दा बाबा आओ पाक उम्मे कुलसूम दा बाबा आओ मैं मौला अली आओ अली मेरा नाम है लहमो का लहमी दी शान वाला मैं आओ फरमाया अल कुरान माल अली अली यो माल कुरान दी शान वाला मैं आओ। हजरत कबीरुद्दीन फरमाते ने मेरा कमरा मुअत्तर हो गया मैं अली पा कवल तकी जा रहे आए तन मेरा ए चश्मा होवे मुर्शद सामने खड़े ना साईं वलियां दे इमाम सामने खड़े ने ते हजरत कबीरुद्दीन शाह साहब फरमाते ने मैं टिक टिक इलाके ते साइया वल पिया वेना ताइयो तार फाजे सुल्तान फरमाते ने तन मेरा ए चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेखलाओ रजा दे मोड लख लख चश्मा एक खोला ते एक कजा हो इतला डिठया मैनू सबर लायावे मैं हो वल पजा हो मुर्शद दा दीदार पाहो मैनु लख करोड़ा हजा हो हजरत कबीरुद्दीन शाह साहब फरमाते ने मौला अली आ गए मौला अली आ जाते ने फरमाया जा पुत्र दिता ओदा ना उस्मान रखी ना की रखी कौन पै कहंदे ने मौला अली ना रखना उस्मान पता लगा अली नू ना उस्मान सोहना लगता है अली नू उस्मान ना सोहना लगता है ता ही मौला अली फरमाया पुत्र दा ना उस्मान रखी।
ते ओ अज कल कोई चार प्याले पी के आते हमारे है कलंदर। मैं क्या अली को पूछ ली पहले, जिदा ना ही उस्मान होवे, जिदा ना उस्मान होवे ते उस्मान दा बुगद दिल दे विच होवे ते मेरे नबी जनादा पढ़ावन तो इनकार कर देंदे ने। हजूर जनादा पढ़ावन तो इनकार कर देंदे ने। जे कलंदर दे बुवे ते जाना है तो उस्मान दा प्यार लैके जावी, फिर तैनू कुछ मिलेगा। अबू बकर दा प्यार ते उस्मान अली दा प्यार लैके ते फिर उमर पाक दा प्यार लैके जावी कलंदर दे बुवे ते फिर तैनू कख लभेगा, वरना कख भी नहीं हो लभना, फिर पल्ले कुछ नहीं पैना। हजरत दी वकार फरमा देने पुत्र दा नाम उस्मान रखी। मेरी अख खुल गई, उधर मेरी रफीका हयात भी सुतियां ते ख्वाब आया, रफीका हयात सुतियां ते ख्वाब आया। आमन आली को बीबी मिल के ना ते कहंदी ये अल्लाह तेनू पुत्र देवेगा ते ओ कलंदर होवेगा ते शहबाज होवेगा, शाहबाज होवेगा, शाहबाज कलंदर ओदा नाम होवेगा ते ओ तेरा पुत्र होवेगा। आख्या बीबी तुसा कौन हो, तुसा कौन जिहड़ियां मैनू आके बशारत दिंदियां जे। फरमा दियां पुत्र झोली च खड़ा, तेनू इन्हां गल्लां नाल की लगे, तेनू इन्हां गल्लां नाल की लगे। पुत्र नू झोली दे विच खड़ा ते फरमा दियां नहीं ये ते दसना ही पैना, ये ते दसना ही पैना। अबाबे दी बकार फातिमा हजरत सखी शहबाज कलंदर दी वालदा फरमा दिया ने, मैं आखे अम्मा दस तू कौन है, आखे पर एक काम करी जो पुत्र तेरा गोद विच आ जाए, गोद विच आ जाए, आवन वाला अजान कन विच पड़े, कन विच अजान ते तकबीर पढ़ के जो टुर जाए अपने पुत्र दे कन विच आखी पुत्रा तेनू राबिया बसरी सलाम कहंदी पई, तेनू राबिया बसरी सलाम कहंदी है, मेरा नाम राबिया बसरी है। अम्मा जी कहंदियां मेरी भी अख खुल गई। हजरत कबीरुद्दीन फरमांदे ने मैं सुबह वेड़े विच लगा फिरना, एक चनिया दा दाना पिया होया है मैं फड़ के खा लिया, जदों चनिया दा दाना खादा दिल भी बदल गया, दलील भी बदल गई। हजरत कबीरुद्दीन शाह साहब फरमाते ने मैं दाना चने का खादा ना दिल ही बदल गया मेरा, अगे मैं रात को अल्लाह अल्लाह करना तो हुण दिने भी अल्लाह अल्लाह, सजे जावा ते अल्लाह अल्लाह, खब्बे जावा ते अल्लाह, कदी कुरान पढ़ना मैनू कुरान जबानी सारा याद, मैं ऐसरा कुरान की तिलावत करन लग पिया। फरमाते ने करो निकल गया जंगलों में जाके, जंगल च मंगल ला लिया, चाली दिन आए, चाली दिन कर रहा है, चालिया दिनों तो बाद आए ते रफीका हयात फरमा दिया ने कबीरुद्दीन इंज करी दे ना दसिया ना पुछया, चाली दिन हो गए अज आए जे, फरमाया वो दाना खादा सी, पता नहीं बन की गया, दाना खादा सी। कबीरुद्दीन शाह साहब फरमा दे ने जिदा दाना खाओ ओदा नाम ही लवो, फिर जिदा रिजक खाओ ओदा नाम लवो। फिर हजरत दी वकार सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमा दे ने चाली दिन कैफियत ही मेरी बदल गई, मैनू किसी पासे दा सोझ बोझ नहीं रहा। फरमा देने चालिया दिनों तो बाद हजरत कबीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा दे मैं घर आया ते मालिक ने मेहरबानी की थी ते अल्लाह ने फिर सानू अगले साल पुत्र अता फरमाया, अगले साल पुत्र अता फरमाया जिदा नाम फिर सखी शहबाज कलंदर होया, उस्मान नाम रखा ते सखी शहबाज कलंदर नाम है। हजरत दी वकार हजरत सखी शहबाज कलंदर का ओ ही दौर है जिहड़ा बाबा फरीद का दौर, जिहड़ा बाबे फरीद का दौर है। तो मैं चौके गल शुरू की थी बाबा फरीद वाली पाक पतन के ताजदार की, वो भी गल करके मैं गुफ्तगू फिर अगले जुमे इंशाला सखी पाक का जिक्र करा, कलंदर पाक का जिक्र फिर करा। कलंदर बने किवें, कलंदर का लकब किवें मिलिया, इंशाला मैं अगले जुमातुल मुबारक अंदर अर्ज करा। हज़रत दी वकार बहावुद्दीन ज़करिया मुल्तानी बैठे होवन जिहड़ा गौसां का बादशाह हो, तो छोटा जा पोतरा कोल लगा फिरे जिदा ना रुकने आलम है शाह रुकने आलम मुल्तान का ताजदार जिहड़ा कुतबां दा शहनशाह है, लगे फिरन अगे नौजवान लड़की आपकी खादमा है मुरीदा है, मुरीद आके तो वजू करावन लगियां दी बाबा अजान हो गई, तो जोर की अजान हुई वजू कर लो, वजू कर लवो। आख्या पुत्रा वजू करवा, जो तो वजू करावन लगी ना तो बाबा जी की नज़र उठी मत्थे ते लिखिया दोज़खी। ए किताब है, हर बंदे की किताब है,
बंदे नबीना होवे ना, बंदा नबीना या अनपढ़ बंदा होवे तो उनके सामने किताब करो पढ़ नहीं सकता, पढ़ सकेगा नहीं पढ़ सकता। अनपढ़ बंदा होवे किताब नहीं पढ़ सकता, किताब नजर आती है पर पढ़ नहीं सकता, पढ़ता वो है जिंदा पढ़िया होवे। अदरात दी वकार ए किताब इत्थे सारा कुछ लिखिया है, मगर मैं ते तुसी अनपढ़ लोग हाँ, किताबा पढ़ के भी अनपढ़ लोग हाँ, सानू ये नज़र नहीं आता लिखिया की है, जिन्हों रब पढ़ा देंदा है, जिन्हों मुर्शद पढ़ा देंदा है ना, वो फिर ऐस किताब नू पढ़दा इत्थे की लिखिया है, ते बहावद्दीन नू साईयां ने पढ़ाया सी, वेख्या ते इत्थे लिखिया दोज़खी है, दोज़खी लिखिया ते वेख के ना ते इस तरह हाथ च पानी ते आंदे ने जन्नती कर सी, मैनु वजू करवा दी कर जनती आख चुप कर जा चुप इन बारे गल नहीं करनी। अगला दिन होया तो आंदे नहीं कर दे मैं रात में भी इल्तजा करांगा, सारी रात भी इल्तजा की, अगला दिन होया तो जोर का वेला तो बच्ची फिर पानी लैके पी आवे, हाथ से पानी जो पावन लगी ना तो आपने वेख्या तो दोज़खी लिखिया, आख्या तेनू कल भी आख्या मालिक नू आंदे ने तेनू कल भी आख्या कर दे जन्नती, आख्या नहीं मुदाखलत ना कर। अगला दिन होया फिर चौथा दिन होया ते फिर आ कहंदे ने कि वेख्या तो दोज़खी लिखिया, तो आंदे ने तेनू चार दिन हो गया ने आना पिया जन्नती क्यों नहीं करदा, आख्या तेनू उदों भी आख्या सी चुप कर, अजे भी चुप कर, तेनू उदों भी कहा सी चुप कर जा ते हुण भी चुप कर जा, मुदाखलत ना कर, ला तब्दील अले कले मा तिल्ला, चुप खामोश बोलना नहीं। अजे इन्नी गल होंदी है ते शाहरुख ने आलम की छोटी जी उम्र है दौड़े दौड़े आए कहंदे बाबा, आख्या जी पोतरा जी, जी पुत्र, आंदे बार अपनी चौखट उते ना एक बाबा बैठा हरे रंग का चोला पाया हाथ विच सोटा है ते अल्लाह अल्लाह पिया कर दे, की कर दे पिया उची बोलो अल्लाह 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 दियां जलियां पा के ते साडे दरवाजे अगे बैठा ही, आख्या पुत्रा कौन है, आख्या बाबा मैं उन्हूं पुछया तेरा नां की, आंदा मेरा नां फरीद है, मेरा नां की है, उची बोलो मेरा नाम की है फरीद है। अदराते दी वकार शाहरुख ने आलम कहते ने बाबा योदा ना फरीद है साढ़े दरवाजे अगे आके बैठा होया है, अदराते दी वकार जो ये नहीं गल आखी अदरत बहावद्दीन उठ के खड़े हो गए, आके पुत्रा असी खुश किस्मत साढ़े बुवे ते फरीद आ गया, मेरे पाक पतन दे बाबा नो, मेरे पाक पतन दे बाबा नो, हर दौर सलामा करदाए मेरे पाक पतन दे, कह दो गुंजा पाके कह दो मेरे पाक पतन दे, हक फरीद या फरीद। यह बच्चा साडा वीडियो बना रहा ना, ये पूरी दुनिया के उत्ते वीडियो जानी है, तो तुसी कहंदे होना है कि पाक पतन दे बाबा नू हर दौर सलामा करदा है, तो पाक पतन आला भी तो वेंदा पिया, यह बिश्ती लंघन वास्ते लैणा लगियां होंदियां ने, सोटे भी खांदे जे बिश्ती लंघन वास्ते, तो फिर उत्थे लंघदे जे ते इत्थे फरीद करम पिया करदा बोलदे क्यों नहीं, फरीद इत्थे प्या करम करदा है, फिर सारे गुंजा पा के कह दो मेरे पाक पतन दे ए बाबा नो, मेरे पाक पतन दे हर दौर सलामा करदा है, इत्थे खुसरो नदाम जे आ मुर्शद, इत्थे खुसरो नदाम जे आ मुर्शद, बाबा दा पानी परदा। हजरत दी वकार उन्हें कहा बच्ची नू ना हजरत बाबद्दीन फरमांदे ने छेती कर पुत्रा लोटा फाड़, बाबे नू वजू करा जाके, जदों बच्ची दौड़ के गई ना जाके आंदी बाबा वजू कर ले, बाबा फरीद ने आख्या इत्थे कोई बंदियां दी कमी है औरत क्यों आई,
औरत फिर नौजवान लड़की मैनू वजू करावन आई अंदरों बाद आई फरीद तेरे बुबे ते आई तो कुछ लैन ही आई होनी है कुछ अता कर दे फिर इंज नजर चुकी तो लिखिया दो दखी आंदे अच्छा बाबा दीन बड़ा बड़ा तगड़ा बंदा है तू साडे वाले टोर दिता ही रैफर कर छड़े आख्या पुत्रा पानी पा वह बच्ची पानी पी पाती तो बाबा फरीद बच्ची वाले वेखे पानी रोड़ता जा रहा सारा लोटा ही रुड़ गया बाबा फरीद चेरे वाले बच्ची आँदी चंगा बाबा है मेरे वाले ही वेखी जाता वुदू नहीं किया मेरे वाले वेखी जाता दौड़ के चली गई जाके आँदी बाबा उन्हें वुदू नहीं किया सारा लोटा पानी का रुड़ गया मैनू वेखी जाता बाबा दीन आंदे तेनू वेख लिया नहीं समझे मेरी गल बाबा दीन फरमा देने तेनू वेख लिया फरीद ने आँदी बाबा वेखे नहीं वेखी जाता आख्या फिर छेती कर होर लै जा पानी और लै जा अदरत दी बकार पानी लैके ते बच्ची गई ते जाके हथा ते पानी पी पांदी बाबा फिर वेखी जांदा सारा लोटा वह भी रुड़ गया ते बच्ची फिर आई आंदी बाबा ना बोलदा ना कुरूली करदा ना गल ना बात पानी रुड़दा जांदा मेरे बल्ले वेखी जांदा आख्या छेती कर तार ना टुट जावे होर पानी लै तार टुट ना जावे पानी होर लै जा बच्ची ने फड़िया पानी ते अद्धा लोटा पानी दा हथा ते पिया ते बाबा कहंदा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के ते नाल ही सजदे विच डिग गए ते अगले अद्धे लोटे नाल वुजू करके ना ते बच्ची ने फड़िया लोटा ते दौड़ के वापस आई बहावुद्दीन ने वेख्या ते वेख के ते चेहरे वाले वेख के नाल ही आंदे अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਵਦੀਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਬਹਾਵਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਪਾਣੀ ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਟੇ ਨਾਲ तू तीन रोड छटे ने फरमाया बहावुद्दीन वजू अद्धे नाल ही कीता है ताइयां लोटियां नाल दो दख बुझा पर बहावुद्दीन वजू अद्धे नाल ही कीता है ताइयां लोटियां नाल दोज़ख बुझा छड़िया है जड़ी बच्ची नूं मेरे वल्ले खले आई दोज़खी लिखिया होया है मैं आख्या या अल्लाह वजू तां ही करांगा जे जन्नती बन जाए जदों टाई रुड़ गए उन्हें आख्या जल्दी मैं आख्या फिर तरीफा भी तेरिया ही प्या कर उन्हें कह दिता जन्नती हो मैं अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तेरिया ही हमदा ने तेरिया ही तारीफा ने बई अल्लाह के बलिया को इस वास्ते जाइए है इस वास्ते इन्हों के बुबे जाइए बहन बैठे हैं जमीते हिन दी दाला मकाते एवें नहीं पैर चुम दे असी अल्लाह वाले आंदे हिन रब को बो प्यारे रब राजी है इनाते एवें नहीं पैर मदे असी अल्लाह वाले